सो दोस्तों, आज मेरा तबीयत नहीं सही लग रहा है। मेरी हालत देख रही है, मुझे पता नहीं कि इतनी गर्मी लग रही है कि क्या बताएं। इतना ज़्यादा मतलब मेरा जैसे बीपी लो जैसे लग रहा हो गया है कि हाई हो गया, मुझे कुछ नहीं पता। इतनी गर्मी और घबराहट हो रही है कि मेरे पांव भी इतने ज़्यादा सूज गए हैं, बिल्कुल चला भी नहीं जा रहा है। और पूरा घर का काम भी मैं कर ही रही हूँ। मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से हो जाए और थोड़ा चलने फिरने से मुझे हल्का महसूस होता है, नहीं तो सो जाओ तो और भी भारी लगता है शरीर। तो आज मेरे कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द है, सर में भी दर्द है। सो मैं सारा काम ख़त्म करके रूम में आई और मैंने सर में बाम लगाया। सो कमर में भी मैंने दवा लगाई। फिर मैंने सोचा पैरों के लिए क्या करूँ, तो डॉक्टर ने मुझे एक क्रीम दिया था जिसको लगाने से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। सो मैं बाद में वो भी लगाऊंगी, मसाज करूंगी। इस टाइम पे मुझे चाहिए कि कोई मेरी मतलब थोड़ा केयर करे, थोड़ा मुझे पाँव में मसाज वगैरह कर दे, बट इस टाइम मेरे पास कोई है नहीं। बस मेरी सासू माँ है जिससे मैं कुछ करवाना नहीं चाहती। मैं जितना हो सकता है खुद ही सारा कर लेती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई बड़ा मुझसे मेरे सामने काम करे और मैं ऐसे बैठी रहूँ। सो मैं मुझसे ना अब सोया जा रहा ना बैठा जा रहा है बहुत ज़्यादा। मेरी डिलीवरी की में भी अब 15-20 दिन रह गए हैं, मतलब डॉक्टर के अनुसार ऐसा रह गया है। बाकी पता नहीं पहले हो जाए कि बाद में हो, तो समय आने पर आपको पता ही चल जाएगा। सो मेरे पता नहीं क्यों पेट में भी एक साइड में थोड़ी दर्द हो रही थी। सच में माँ बनना बहुत कठिन काम है, सबको लगता है कि आसान है और बहुत कठिन काम है। सच में हर माँ को सलाम। तो मैं अंदर वॉकिंग ज़्यादा नहीं कर पाई, फिर तो मुझे घबराहट हो रही थी। तो मैंने सोचा बाहर अच्छी हवा चल रही थी, तो मैं बाहर आ गई और बाहर सच में बहुत अच्छी हवा चल रही थी। आते ही मेरा सारा गर्मी और मतलब जो घबराहट हो रहा था सब कुछ बहुत सही हो गया, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने बाम भी लगाया, सर दर्द भी ख़त्म हो गया था, कमर का दर्द भी मुझे रिलीफ था, पाँव में भी आराम था। तो आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मेरा नवा महीना स्टार्ट हो गया है, प्रेगनेंसी का नवा महीना स्टार्ट हो गया है और उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तब जैसे ही नवा महीना मेरा लगा बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि अभी कमर में, पैर में सूजन, कमर में दर्द और भी बहुत सारी दिक्कतें, सर दर्द, बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें हो रही है, वेट भी थोड़ा बढ़ गया है, तो सारी चीज़ों का दिक्कतें हो रही है, सांस भी फूलता है, घबराहट होती है। तो इन सब चीज़ों को मैं सोची शेयर करूं कि 9th मंथ में जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके लिए यूजफुल होगा कि 9th मंथ में कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं। और ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, बहुत घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने डॉक्टर से भी पूछा था तो सब बोल रहे थे कि हाँ ये नॉर्मल है, ऐसा होता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो मैं भी थोड़ा सा वॉकिंग कर रही हूँ, वॉक करना बहुत अच्छा होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। सो नवा महीना जैसे स्टार्ट हुआ ना, मुझे कमर पेन, पाँव में सूजन, दर्द, देखो मेरे पाँव में कितना सूजन है, दिखाओ टीम अच्छा। तो देखो मेरे पाँव में कितना सूजन है, ये देखिए बहुत ज़्यादा सूजन है, और पास से दिखा दो। तो देखिए फ्रेंड, मेरे पाँव में देखिए कितना सूजन आ गया था, और मैंने पायल भी निकाल दी है सूजन की वजह से। तो फ्रेंड, यहाँ बहुत अच्छी हवा आ रही है इसलिए मैं यहाँ पर वॉक करती हूँ, थोड़ा अच्छा फील होता है। और गर्मी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बढ़ गई है, बारिश नहीं हो रही है। वैसे तो उधर बारिश हो रही थी पर इधर ज़रूरत है तो बारिश नहीं हो रही है। लग रहा है सावन लगा है फिर भी एक दिन बारिश नहीं हुई, पूरे 10 दिन हो गए बारिश नहीं हुई। खेतों में धान की फसल की बैठौनी हुई है, वो भी सूख रही है, बारिश की बहुत ज़रूरत है पर बारिश हो नहीं रही है। दोस्तों आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं कमेंट में जरूर बताना, मेरे यहाँ तो नहीं हो रही है, इतना धूप इतना गर्मी कि हम लोग परेशान हैं। सो मेरा देखो हीट ही बहुत ज़्यादा निकल गया। सो अब मुझसे झुका भी नहीं जा रहा है, झुक कर बैठ कर ज़्यादा देर काम भी नहीं किया जा रहा है, पर मैं आराम आराम से घर के सारे काम अभी भी कर रही हूँ। ट्विंकल के टाइम पे भी मैं पूरा काम कर रही थी और डिलीवरी तक मैंने काम करती रह गई, इस टाइम पर भी ऐसा ही है। पर ट्विंकल के टाइम पर मुझे दिक्कत नहीं हो रही थी काम करने में, इस बार दिक्कत हो रही है थोड़ी, क्योंकि अब ज़्यादा देर बैठ जाती हूँ तो कमर में दर्द होने लगता है, पाँव में दर्द होने लगता है, सूजन भी है, तो इस बार थोड़ा मुझे दिक्कत है, ट्विंकल के टाइम पे नहीं था।
तो नवे महीने में सारी चीज़ें होती हैं, पर हाँ एक चीज़ है कि नवा महीना जैसे ही लगा है मुझे भूख बहुत लग रही है। खाने पीने की दिक्कत नहीं है, बाकी उधर मुझे खाना वगैरह अच्छा नहीं लग रहा था, पर नवा महीना में खाने की दिक्कत नहीं है, जो भी सब सारी चीज़ें अच्छी लग रही है, मीठा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सब कुछ खा पी रही हूँ अच्छे से, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है, उल्टी वगैरह तो मुझे नौ महीने से हुआ ही नहीं। बाकी जो चीज़ें हैं वो ट्विंकल को देखो क्या कर रही है, क्या कर रही हो? अच्छा गिरोगी तो ट्विंकल भी मेरा बहुत केयर कर रही है, मुझे दवा ला के देती है, जितना बार पानी मांगती हूँ पानी ला कर देती है, सारा काम मेरा ट्विंकल करती है। लाल पकड़ी हो, गिर गई तो अच्छा। सो ट्विंकल झूला भी डाली है और अब इस समय सावन में झूल रही है। दोस्तों मेरा पहला सोमवार बहुत अच्छे से गया, दूसरा सोमवार भी आने वाला है, आज सैटरडे है मतलब परसों फिर मेरा व्रत है दूसरा सोमवार, अब देखते हैं डिलीवरी तक मेरा कितना सोमवार हो जाता है। वैसे तो 20 अगस्त तक डेट है, बट पहले अगर डिलीवरी हो गई तो शायद एक दो सोमवार छूट जाए, पर कोई नहीं जब तक नहीं होती डिलीवरी मैं व्रत रहूँगी। सो गाइस पाँव की मालिश करने वाला भी कोई नहीं है, कहने को बहुत सारे हमारे रिलेटिव हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं ससुराल मायके में, पर इस टाइम पे कोई साथ नहीं है तो क्या फ़ायदा, और किसी को मैं बुला भी नहीं रही। मैं सोच रही हूँ पहले डिलीवरी तो अच्छे से हो जाए फिर। सो फ्रेंड अभी बेबी मोमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, दिन भर बेबी मोमेंट होता रहता है, अलग फील हो रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छी हवा भी आती है तो थोड़ा यहाँ आराम है। देखो अमरूद का पेड़ है पर फरा नहीं है, पता नहीं क्यों सावन में बहुत ज़्यादा अमरूद फरते हैं, पर इसमें पता नहीं किस बार फर लगा ही नहीं, पता नहीं क्यों मुझे नहीं पता। गर्मी से राहत पाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आ जाती हूँ, तो मेरे यहाँ पेड़ बहुत है, उधर नीम का पेड़ भी है तो बहुत ज़्यादा आराम रहता है। ट्विंकल भी खेल रही है, तो बेबी मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, कम से कम दिन में 7-8 बार तो होता ही है, जैसे कुछ खाओ पियो होने लगता है। ये सारी चीज़ें 9 मंथ में मेरे हो रहा है, पर 9 मंथ में सारी चीज़ों को ध्यान भी रखना पड़ता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा दबाव नहीं और पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है, खून की कमी नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें, डाइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फॉलो करनी पड़ती है जो कि मैं कर रही हूँ। सो फ्रेंड मैं अभी कुछ दिन ही वीडियो बना पाऊँगी, लाइव आ पाऊँगी, जैसे मेरी डिलीवरी होगी तो मैं कुछ टाइम के लिए रेस्ट लूँगी, ना ही वीडियो बनाऊँगी ना ही लाइव आ पाऊँगी, पर हाँ मतलब जैसे ही 2-4 दिन अच्छे से गया तो मैं सबके लाइव में सपोर्ट जरूर करूँगी। सो फ्रेंड आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पर बस आप ही लोग हों, यूट्यूब फैमिली ही हमारी है, बाकी तो आप देखे रहे हैं मेरे इस कंडीशन में कितने मेरे फैमिली में सब लोग साथ दे रहे हैं, कुछ नहीं है ऐसा, मेरे घर में कोई ज़्यादा फैमिली भी नहीं है कि मेरा सपोर्ट करे, और रिश्तेदार तो मेरे जैसे हैं, मतलब फंक्शन वगैरह होगा तो आएंगे, पर इस टाइम पे मेरी केयर करने नहीं आएंगे, इस टाइप के लोग हैं, बट क्या कर सकते हैं, सबके साथ ऐसा होता ही है। सो फ्रेंड चलिए आज का वीडियो ब्लॉग मैं एंड करती हूँ और मिलती हूँ, तो मैं पाँव में अपने मसाज भी करने जा रही हूँ अभी। हाँ अगर आप में से कोई भी प्रेग्नेंट हैं और पाँव में सूजन है तो वो गर्म पानी नमक का पैर धुल सकती हैं, मसाज कर सकती हैं, सारी चीज़ें टिप्स मुझे मिले हैं जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी हवा आ रही है, मेरे यहाँ गार्डन भी है जहाँ बहुत अच्छी हवा आती है, तो अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको भी ताज़ी हवा ज़रूर लेनी चाहिए, ये जो हवा होती है बहुत अच्छी होती है बच्चे के लिए अपने लिए, इसलिए मैं दिखाती हूँ। अब मक्खियाँ भी बहुत उड़ती हैं यहाँ पर, हर वीडियो में मक्खियाँ आ ही जाती हैं कहीं से, धूप में क्यों खेल रही हो? सो ट्विंकल धूप में बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रही है, चलिए आपको दिखाते हैं ट्विंकल क्या कर रही है। तो ट्विंकल देखो कितना बदमाशी कर रही है। सो फ्रेंड मैं रूम में आ गई और मेरे पाँव बहुत सूजे सूजे हो गए थे, जैसे मैं चलती हूँ ना तैसे मुझे दिक्कत हो जाती है, फिर भी मैं चलती रहती हूँ ताकि मेरी डिलीवरी अच्छे से हो जाए, क्योंकि चलना फिरना बहुत ज़रूरी होता है अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो। सो मैंने देखिए एक क्रीम है ना जो कि मेरी डॉक्टर ने मुझे दिया था, मैंने बताया था कि मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, हालांकि तब सूजन नहीं था सिर्फ दर्द था, बट उन्होंने एक क्रीम दिया है इसके लगाते ही ना दर्द पूरा भाग जाता है पूरा। सो गर्म पानी में नमक डाल के सब लोग बोलते हैं सिकाई करो पैर की, पर मैं कर नहीं पाती क्योंकि इतनी गर्मी में गर्म पानी में पाँव कैसे डालूं, फिर मैं मलहम लगाई और ख़ुद ही मालिश किया,
और मुझे बहुत ज़्यादा आराम लगा। सो दोस्तों इसके बाद मैंने थोड़ा सा नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद ट्विंकल बाहर झालुआ झूल रही है, बोल रही थी मम्मा चलो, तो चलिए मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। अभी मेरा थोड़ा मुझे आराम लग रहा है, जैसे कुछ आराम होता है ना, मैं ऐसी मेरा स्वभाव ही है कि अगर मुझे थोड़ा सा भी आराम रहता है तो मैं हमेशा हंसती ही रहती हूँ, मैं कभी उदास या किसी चीज़ को लेके ऐसे बैठती नहीं। ये सारी प्रॉब्लम जो है वो नॉर्मल है, माँ बनने अगर माँ बनने वाला है कोई तो ये सब फेस करना ही पड़ता है, मैं समझती हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं करती। तो चलिए ट्विंकल को दिखाती हूँ क्या कर रही हूँ। ट्विंकल बाल बनाए हो क्या? नहीं नहीं दिखा दीदी कितने सुंदर बाल बनाए। देखे तुम्हारी गुड़िया, तो ट्विंकल ने आज दो चूटी बनाई अपनी गुड़िया की। मम्मी मेरी दिखा दीदी बनाई है। जितनी सुंदर आप हो उतनी सुंदर आपकी गुड़िया भी है। देखो मेरी मेला गुड़िया का बाल कितना गंगाता है, मैं काकला दू। देखो इधर भी आके इधर भी आके इधर भी आके। देखो मैं तो अच्छे से देख ही नहीं पा रही हूँ आपकी गुड़िया को, सबको दिखा भी दो। अरे इसका आँख इतना डरावना क्यों है? इसको पलट दो, आँख को तुम अंधा कर दी उसको तो। अरे इधर भी आँख। देखो इधर इसका फ्रॉक इतना लंबा इतना लंबा फ्रॉक क्यों पहना दिया इसको? इसका आँख क्या करती? ट्विंकल ने देखो रोज छोटी बनाती है अपनी गुड़िया को। मम्मा देखो इसका आँख लाती। इसका आँख देखो मेरे को इसका आँख दो टुकड़े। चाय पे कविता पढ़ी सुना याद की थी, सुनाओ। यहाँ पर आओ। सो दोस्तों देखिए ट्विंकल कितना अच्छा से झलुआ झूल रही है, ऐसे तो बड़े लोग भी नहीं झूल पाएंगे। अभी ट्विंकल 4 साल की भी नहीं हुई है और दना दन ऊपर हवा में उड़ रही है। ट्विंकल बहुत ही टैलेंटेड है, 10 साल के बच्चों को भी वो पीछे छोड़ देगी। मतलब ये देख सकते हैं आप, इसका झूला झूलने का ट्रिक देखिए, ऐसा तो मैं नहीं झूल पाऊँगी, मुझे चक्कर आने लगता है। और अभी वीडियो को बंद करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग के साथ। आप लोग आशीर्वाद और अपना ब्लेसिंग बनाए रखिएगा, लाइव ज्वाइन कीजिएगा, आपका सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है।